आप लोगों ने कभी सोचा था कि आप फ्लोर मैट से भी अपना घर सजा सकते हैं? नहीं ना। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मिलेंगे डेकोरेशन के लिए फ्लोर मैट और साथ साथ में ब्यूटीफुल रग्स जो आपके घर के स्पेस को बनाएंगे और ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं। ये कितने का है? ये 1200 का है। पहले तो ये रेट तो मैंने पूछ लिया इसका 1200, लेकिन ये है क्या इतना खूबसूरत? ये फुट मैट भी है और आज को हैंग भी कर सकते हैं। गाइस, ये एक फुट मैट है। कोई इसको फर्स्ट गो में देख के बोल सकता है कि ये एक फुट मैट है? नहीं ना। मैंने तो इनफैक्ट ये सोचा था कि ये कोई वॉल हैंगिंग है, इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं। ये है पैंडा, और ये पैंडा कितना खूबसूरत है। आप इसको अपने बच्चों के रूम में अगर आप इसको वॉल पे लगाएं या फिर फुट मैट की तरह फ्लोर पे यूज़ करें तो कितना खूबसूरत लगेगा। इसका प्राइस क्या होगा? 750। और ये देखिए रैबिट की शेप में भी है, और इतना ही नहीं अलग अलग साइजेस में अलग अलग शेप्स में इनके पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे देखिए फुटबॉल मैट, स्माइली फेस, बटरफ्लाई, और साथ साथ में इतना ही नहीं इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ एनिमल प्रिंट्स भी है। ये देखिए ये है एनिमल प्रिंट, आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हैं। आप इसका बैक साइड देखेंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा पैटर्न है कि बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। आप उतना फुट उसके ऊपर आराम से रख सकते हैं। सोचिए ठंडा ठंडा मौसम, आप बेड में बैठे हैं और उसके बाद आप उतरें और ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मैट के ऊपर पैर रखें, कितना अच्छा लगेगा ना। और साथ में आइए इससे आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या है? 1200 टाइगर। ये है टाइगर प्रिंट, कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम एप्ट। और इसका प्राइस क्या है? सेम 1200 रुपीज़ गाइस। इतने कम रेंज में आप अगर कोई वॉलपेपर लेने के लिए जाएंगे तो वो आराम से आपका कॉस्ट करेगा 5,000 to 6,000 रुपीज़। अगर आप एक प्लेन वॉल पे इसको भी हैंग कर दें तो आपका घर कितना सुंदर बना देगा, आपके रूम को और सुंदर बनाएगा। तो अब देखते हैं कुछ रग्स, चाहे वो फुट मैट्स हो या फिर रग्स, ये हमारे रूम को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। और इसमें एक अनोखी चीज़ ये है कि ये सब हैंडमेड है। आई नो बिलीव करना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज उनकी फिनिशिंग इतनी ज़्यादा प्रॉपर है। तो आप मुझे बताइए कैसे आप लोग बनाते हैं इसको? इसको कॉटन एंड वूल से बनाते हैं। कॉटन एंड वूल से? किस चीज़ का वूल यूज़ करते हैं? वूल, ये शीप का वूल होता है। शीप का वूल, तो मैं देख सकती हूँ कि आई गेस ये हम डबल साइडेड यूज़ कर सकते हैं। बोथ साइड्स। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ चीज़ें गिर जाती हैं काफ़ी बार, बच्चों से ही नहीं इनफैक्ट बड़ों से भी, तो ये उनके लिए काफ़ी एप्ट है। आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं और इनके पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल हैं। तो आप मुझे प्लीज इसका प्राइस बताएंगे? जी 3500 का है। 3500, 1200 से स्टार्टिंग है। दिस इज़ फॉर ₹3,500। क्या बुराई गाइस, प्रॉपर हैंडमेड है। इसको हम इजीली घर में भी वॉश कर सकते हैं और ये डबल साइडेड भी है। इनके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सेम चीज़ शोरूम में 12,000, 8,000 का मिलता है वहाँ पर। ये आई गेस ये एक रनर टाइप है जी, बेड के आगे, सोफा के आगे लगाने के लिए। ये आप अपने बेड के आगे या सोफा के आगे लगा सकते हैं। ये है एक प्रॉपर रनर। अगर कोई रूम है जिसमें एक सोफा कम बेड लगा है खाली, वो भी प्लेन विद प्लेन वॉल्स, अगर आप इस कलरफुल रग को लगा देंगे एक आगे रनर की तरह, तो सोचिए इमेजिन ही कीजिए कि कितना खूबसूरत लगेगा। और इसका रेंज क्या होगा? ये 2500। वाओ गाइस, दिस इज अमेजिंग। और ये भी सब हैंडमेड है। इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगता है? बनाने में कम से कम 15 दिन लगता है। 15 दिन गाइस, ये मशीन मेड नहीं है, ये हैंडमेड है। एक बनाने में कम से कम लगता है 15 दिन। अगर ये वाला रग देखा जाए तो इसका प्राइस कितना है? 2500। मोस्टली यहाँ पे जो रेंज है वो 3000 से लेकर, मतलब लगभग आप लगा लीजिए 3500 तक होगा। ये है 2500 का, ये भी डबल साइडेड है। आप इसको दोनों तरह से बिछा सकते हैं, आगे से भी पीछे से भी। इसका रेंज भी काफ़ी एप्ट है। इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, मैं देखते देखते थक जाऊंगी, बट इनके डिज़ाइंस और इनके ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कुछ फ्लोर मैट्स। अब हम देख रहे हैं छोटे मैट्स। यूजुअली हम लोग जब पूजा करते हैं या फिर जो नीचे बैठ के खाना खाना प्रेफर करते हैं वो ये मैट्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी डबल साइडेड है, ये सिंगल साइड मैट है। और इसका प्राइस क्या होगा? 450 फॉर दिस मैट। और इसमें यही नहीं, इसमें अलग अलग डिज़ाइंस और कलर्स भी हैं। इसका प्राइस क्या होगा? ये 350 का। दिस इज़ फॉर 350।
और ये वाला सेम 450 का है। ये सेम 450 का है। और इसमें आपने कौन सा मटेरियल ये यूज किया? ये जूट का है, सन का। ये जूट का बना हुआ है और इसका हैंडमेड है। ये भी हैंडमेड है। और जूट का इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? ये करीब 3 दिन। 3 दिन गाइस, 3 दिन में बनाए ये मैट। अगर आप ये मार्केट से खरीदेंगे वो लोकल मशीन मेड मैट, तो उसको आप इजीली घर पे नहीं धोते हैं। आपको यूजुअली उसको नॉर्मली भेजना पड़ता है सिर्फ ड्राई क्लीन के लिए। ये आप घर पे भी वॉश कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, मैंने तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिखाए फ्लोर मैट्स के, रग्स के, और इनफैक्ट ऐसे मैट्स के जिनको आप घर में डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल यानी ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप वॉचिंग ट्रेंड्स 9। सी यू।